समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और शामली जिले की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत ने नाहिद हसन की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है, जिससे अब ये साफ है कि नाहिद के खिलाफ अगर कोई और मामला पेंडिंग नहीं हुआ तो वो 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे। दरअसल सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उनके खिलाफ कैराना थाने में ही पिछले साल गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। कई दूसरे मामलों में उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने की वजह से वो जनवरी महीने से जेल में ही थे। नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। नाहिद की तरफ से उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वो कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। उनकी बीमारी 3rd स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है। नाहिद की तरफ से कोर्ट में ये भी दलील दी गई कि इस केस से जुड़े हुए दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद अदालत ने नाहिद हसन के वकीलों की दलील को मंजूर करते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। हाई कोर्ट ने नाहिद हसन को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दे दिया। अब अगर नाहिद के खिलाफ कोई और मुकदमा पेंडिंग नहीं हुआ तो वो जल्द ही जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।